सबसे पहले जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति जो है जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोन प्लस मेट्री। त्रिगोन का मतलब होता है, त्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, और मेजरमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं मापन। त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति, जहां त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। अर्थात त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, और त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण उपस्थित होते हैं, तो ये दोनों को मापते हैं। अर्थात तीन कोण और तीन भुजा, ये दोनों मिलाकर छह होते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो भी छह होते हैं। त्रिकोणमिति के जो छह अनुपात होते हैं, पहला जो अनुपात है उसका नाम है साइन, एस आई एन ई, साइन। इसको संक्षेप में कहा जाता है एस आई एन, जिसको हिंदी में कहते हैं जया। दूसरा जो अनुपात है उसको बोलते हैं कोसाइन, जिसको संक्षेप में कहते हैं कॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं सजया। तीसरा जो है जिसका नाम है टेंजेंट, जिसको संक्षेप में टैन कहते हैं, जिसको हिंदी में स्पर्श कहते हैं। चौथा जो नाम है वो कोटेंजेंट, जिसको संक्षेप में कॉट कहते हैं, जिसको हिंदी में सा स्पर्श। चौथा जो है सेकेंड, जिसको संक्षेप में सेक कहा जाता है, जिसे हिंदी में छेदक कहते हैं। छठा जो है उसका नाम है कोसेकेंड, जिसको संक्षेप में कौशिक कहा जाता है और हिंदी में सा। तो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि ये त्रिकोणमिति है क्या। तो हमने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोन प्लस मेट्री, जहां त्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अर्थात ट्रायंगल का मेजरमेंट जिसमें किया जाता है वही त्रिगोनोमेट्री गणित की वैसी शाखा है जिसमें त्रिभुज को मापने के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण उपस्थित होते हैं, ये दोनों मिलाकर छह होते हैं, इसलिए इसके अनुपात भी जो होते हैं छह होते हैं। वो अनुपात कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हिपरकस, ये फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहे जाते हैं। इन्होंने ही बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोन प्लस मेट्री। ये कौन बताए थे? हिपरकस बताए थे, जहां त्रिगोन का मतलब उन्होंने बताया ट्रायंगल और मेट्री का मतलब बताया मेजरमेंट। अर्थात ये गणित की वैसी शाखा है जिसमें ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाता है, वही ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ट्रायंगल में दो चीज होते हैं, साइड और एंगल, जिसमें ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं और थ्री एंगल होते हैं, ये दोनों को मेजरमेंट किया जाता है। तीन और तीन छह होते हैं, इसलिए अनुपात जो होते हैं छह है। कोई पूछ दे बच्चे कि त्रिकोणमिति के छह अनुपात होते हैं क्यों, तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज को मापना, और त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण उपस्थित होते हैं, और ये तीन भुजा और तीन कोण मिलाकर बनते हैं छह, और भुजा एवं कोण के को ही अनुपात कहा जाता है।